साहिबान मेहरबान कदरदान, अगर कुकिंग के मामले में आपका डब्बा गुल है और उस पर आपको पास्ता बनाने का मन है तो टेंशन मत लीजिए। सूरत सा की पार्ट टाइम कुकरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, ठीक वैसे ही जैसे संध्या जी ने ज्वाइन की है। और यकीन मानिए अगले ही दिन आप वर्ल्ड का बेस्ट पास्ता बनाना सीख जाएंगे। लेकिन हाँ, इस क्लास के बदले सूरत सा को चाहिए बस ढेर सारा प्यार। अरे सूरज सा, पहले पास्ता तो बना लीजिए, जनता वेट कर रही है। अरे सूरज सा, ये पास्ता के बीच में प्यार मत डालिए, जनता वेट कर रही है। पत्नी की खास डिमांड पर रात को 12 बजे सूरज सा ने गैस चलाया और जुट गए डिलीशियस पास्ता बनाने। इस पूरी रेसिपी को संध्या अपने कैमरा में कैद कर रही थी ताकि बाद में वो भूल न जाए, और अगर भूल भी गई तो इस कैमरा में देखकर वो ठीक वैसा ही पास्ता बना सके जैसा कि सूरज ने उन्हें सिखाया था। बात ये है कि आज मतलब कल वेद का जो है वो जन्मदिन है, तो संध्या ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे वेद खुश हो जाए। तो वो मुझे खींच के घर से दुकान पर लेके जा रही हैं, मेरे लाख मना करने के बाद भी वो नहीं टली। तो फाइनली मैंने वेद के लिए बहुत ही अच्छा पास्ता बनाया। इन दोनों को कैमरा में कैद किया सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया ने। तो सूरज जी, लगे हाथ हमारे व्यूअर्स के लिए भी सूरज राखी पास्ता की कुछ टिप्स तो दीजिए। अच्छा बनाया, संध्या जी को पसंद आया तो मतलब पसंद आ गया, अच्छा बनाया, और उम्मीद करता हूँ कि वेद को भी पसंद आए। भाई वाह, अगर मूछे हो तो नथुलाल जैसी, वैसे ही अगर पास्ता हो तो आपके हाथों का बना हो। अब जब इतनी मेहनत से संध्या के लिए सूरज ने पास्ता बनाया और उन्हें अपने हाथों से भी खिलाया तो उसके बदले में सूरज सा को कुछ तो मिलना ही चाहिए। पास्ता के बहाने सूरज सा ने संध्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, धीरे धीरे नजदीक आ रहे थे। पी फॉर पास्ता के बाद पी फॉर प्यार परवान चढ़ने लगा था, और फिर शॉट कट हो गया। भाई ये सूरज की कुकरी क्लासेस में प्यार की पाठशाला नहीं, तो उम्मीद है कि आप सभी को भी सूरज सा की सास बहू और बेटियां को दी गई एक्सक्लूसिव पास्ता क्लासेस पसंद आई हो। सूरज सा की अगली क्लासेस लेकर जल्द ही लौटेगा सास बहू और बेटियां, शांतनु नगर मुंबई आज तक।